इसलिए नाराज होकर हमने रानी परी का राजदंड चुरा लिया। लेकिन अगर भयंकर परी ने फिर भी हमसे ये राजदंड नहीं लिया तो? तो नटखट परी मान जाएंगी कि भयंकर परी के दिल में अब कोई भी बुराई नहीं है, वो सुधर गई है। और नटखट परी उन्हें अच्छे दिल से अपना लेगी। लेकिन हमारा संदेह दूर करने के लिए तुम्हें रानी परी का राजदंड भयंकर परी को देना ही पड़ेगा। नाराज तारास परी, नाराज तारास। पक गई है मेरी नाक सुन सुन के उनका नाम। पर रखना याद परी भयंकर, अंत में काम तो आएगा आपका ये तौबा तौबा ही। तौबा तौबा, तुम सारे काम अकेले नहीं कर सकते, मुझे उनकी भी जरूरत है। अरे करेंगे नहीं कुछ भी मदद वो दोनों आपकी। नहीं, उन्होंने पहले भी मेरी मदद की है और आगे भी मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। क्यों नहीं, कहे क्यों नहीं देती उन दोनों परियों को के चुरा के लाए वो रानी परी का राजदंड आपके लिए। वाह, क्या बात कही है तौबा तौबा, दिल खुश कर दिया। काश वो दोनों मेरे लिए वो राजदंड चुरा कर ले आए। प्रधानमंत्री बना दूंगी तुम्हें अगर ऐसा हो गया तो। बस एक बार वो राजदंड मुझे रानी परी से अलग दिखाई दे जाए, फिर उसके बाद उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद मैं इन सारी फालतू परियों को यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। अगर भयंकर परी ने वो राजदंड ले लिया तो उन्हें परी लोक से बाहर निकलना पड़ेगा। इससे पहले कि ये हमें भयंकर परी के पास ये राजदंड लेकर भेजे, हमें कुछ भी कर उनको सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तो फिर भयंकर परी की परीक्षा लेने चले। क्या हुआ डूबा डूबा? सोचिए अगर परीक्षा लेने से पहले ही किसी ने बता दिए बात भयंकर परी को तो क्या करेंगे हम? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। उसका भी उपाय है मेरे पास डूबा डूबा। परीलोक के प्रति तुम्हारी सेवा और वफादारी पे कोई शक नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें नाराज परी के जादुई डंड में छिपा दूंगा ताकि तुम इस बात की गवाही दे सको कि किसी ने भी भयंकर परी को इस परीक्षा के बारे में नहीं बताया। और इस तरह कोई भी इस परीक्षा पे संदेह नहीं करेगा। अब क्या होगा? भयंकर परी को बताने का हर रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है। अगर भयंकर परी ने राजदंड मिलने की खुशी में हमारा भी नाम अपने साथियों में ले लिया तो हमें भी उनके साथ सजा मिलेगी और परी लोग छोड़कर जाना पड़ेगा। लिली, मारी लिली, मने छोड़ी रे, क्या गति रे, तेरे बिना दुनिया में मैं अकेला क्या करूंगा। अरे हितेश भाई, मैं समझा था लिल्ली बहन इसकी कोई सगी होगी। अरे ये तो खटारा कार निकली, खटारा कार। बस क्या बोला तुमने? मेरी बहन को खटारा बोलता हूँ? आओ आओ इधर, पढ़ो क्या लिखा है। स्वर्गवासी लिल्ली बहन, ये कार आपकी बहन थी? हाँ लिल्ली बहन, वो मेरे लिए कार नहीं थी, जिंदगी थी मेरे, इसके अंदर प्यार भरा दिल था, दिल। इतना दूर घर है पोपट का, क्या तुम भी शोक सभा में आए हो? ये पोपट का है? लिली, लिली, मेरा पोपट। अमृत, पोपट, पोपट। धीरज रह, धीरज रह, ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं, काफी समय से इंजन खराब था, बड़े बड़े गैरेजों में इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
लगता है बड़ा गहरा सदमा पहुंचा है। ऐसे बता रहा है जैसे लिली बहन पत्नी नहीं गाड़ी हो। सुबह उठ के सबसे पहले उसका चेहरा देखता था और वो भी मुझे देख के अपनी हेडलाइट की रोशनी तेज करती थी। जब मैं लिली को मार्केट में लेके जाता था तो लोग मुड़ मुड़ के देखते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी। जिंदगी का हर सफर उसके साथ तय किया है, अब किसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगा? उपाट, हौसला रख, हौसला रख। जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, लिली बेन के हाथ की चाय मुझे बहुत याद आएगी। लिली चाय बनाती थी? हाँ। लेकिन वो कैसे चाय बना सकती है? देखो पतीली ऐसे गैस पे रखती थी, लव वो कैसे चाय बना देती वो मुझे क्या पता, लेकिन वो इतनी बढ़िया चाय बनाती थी। चाय के अंदर वो इलायची, अदरक, उसकी खुशबू अभी तक आ रही है मुझे। भाई साहब चाय लेंगे? ऐसे ही पूछती थी भाई साहब। अरे 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 क्या भूत भूत, ये मेरी पत्नी है। वो तो मुझे भी पता है कि ये तेरी पत्नी है, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रही है? इससे तो ऊपर होना चाहिए ना। अरे वो जिंदा है। जिंदा? हाँ जिंदा। हाँ उपाट, तुझे शर्म नहीं आ रही है? तेरी बीवी जिंदा है और तू उसकी शोक सभा कर रहा है? अरे भाई उसकी शोक सभा नहीं है, लिली की है। लिली गाड़ी है? अरे ये सुरक्षा भोपू क्यों बच रहा है? कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि मैं तौबा तौबा से बात कर रही थी? भयंकर परी, आपने यहाँ से किसी को रानी परी का राजदंड ले जाते भी तो नहीं देखा? रानी परी का राजदंड? सब ठीक तो है? नहीं भयंकर परी, कुछ भी ठीक नहीं है। रानी परी का राजदंड चोरी हो गया है, हमें किसी भी तरह से वो राजदंड ढूंढना होगा, कहीं वो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए। अब मैं चलती हूँ। मेरे अलावा परिलोक में रानी परी के राजदंड के पीछे और कौन हो सकता है? भयंकर परी, क्या हुआ? नाराज तराज? ये तो रानी परी का राजदंड है। हाँ भयंकर परी। इसका मतलब तुमने चुराया इसे? नहीं भयंकर परी, ये हमने अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए चुराया है। आप ये दंड ले लो और इस परिलोक पर अपना कब्जा करके अपना राज कायम करो। हाँ भयंकर परी, ये भली परी बनने से कुछ नहीं होगा। अब देखिए ना हमें क्या मिला, कुछ नहीं। इसीलिए अब आपके राजदंड लीजिए और परिलोक की नई रानी परी बनिए। हाँ भयंकर परी, लीजिए ये दंड और पा लीजिए इस परिलोक को जो रानी परी ने एक दिन आपसे छीना था। भयंकर परी सोच क्या रही है? हाथ आगे बढ़ाइए और ले लीजिए इस दंड को। भयंकर परी ये मौका दोबारा नहीं आएगा। हाथ आगे बढ़ाइए और ले लीजिए अपना बदला रानी परी से। मुझे लगा कि लिली बेन पोपट की पत्नी है, लेकिन ये तो गाड़ी निकली। अमरुद डगली, अब तो तेरा पोपट हो गया। सब तो जल्दी कीजिए ना। एक मिनट। ए भाई,
अमरुत, यहाँ लिली बहन की शोक सभा है और तू नाच रहा है? अरे मैं ऐसे शोक ही मना रहा हूँ। ये तू क्या कर रहा है? भावेश भाई, शोक सभा में कोई नाश्ता भी है क्या? अरे कार की भी कोई शोक सभा होती है क्या? मुझे तो लगता है इनका कोई नाचने का रिवाज होगा। हाँ मुझे भी यही लग रहा है, तो इनका रिवाज तो निभाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो चलो इनका रिवाज निभाते। अरे भाई और बहनों, इनकी शोक सभा में नाचना होता है, ये इनकी रस्म है, तो चलो इनकी रस्म निभाते हैं, नाचो। ये भगवान, ये क्या हो रहा है? जब से चारों ओर घर में डांस की बात चल रही है, तब से मुझे भी महेश की तरह डांस एरिया हो गया है। हे भगवान, माफ कर दे मुझे, मैं दूसरी बार बेकार की मतलब कि कार की शोक सभा में कभी नहीं जाऊंगा। इस बार मुझे माफ कर दे भगवान, मुझे माफ कर दे। अमरुद मजा आ रहा है। ऊपर मुझे माफ कर देना, मेरे वजह से तेरी शोक सभा खराब हो गई। अरे तू टेंशन मत ले, मैं तो तुझे थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्यों? हाँ, आज तूने मुझे जो एहसास दिलाया। पहले सांस ले ले। तूने मुझे एहसास दिलाया कि हम जिसे प्यार करते हैं उसका खोने का दुख हमें कितना होता है, मगर सच्ची श्रद्धांजलि वही है जो हम खुशी खुशी उसे नाच के दें। दे, नाच के दे, हाँ? नाच के दे। ओके। लिली, लिली। भयंकर परी, राजदंड लेने के लिए हाथ आगे मत बढ़ाना, वरना आपको और आपके साथ हमें भी इस परीलोक से बाहर जाना पड़ेगा। कब से इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं, कि किसी भी तरह से मुझे राजदंड मिल जाए और मैं रानी परी बन जाऊं। लेकिन नाराज तराज ने तो मेरा काम एकदम आसान ही कर दिया। भयंकर परी, गलती करोगी आप ये राजदंड लेके, राजदंड लेने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अब मैं बनूंगी तीनों लोगों की रानी। आज से ये राजदंड मेरा। देखा बाल परी, मैं आपसे कह रही थी ना, भयंकर परी कभी नहीं बदल सकती। ये आज भी परीलोक पे अपना राज कायम करना चाहती है। आखिर भयंकर परी की सच्चाई हमारे सामने आ ही गई। तुमने बहुत अच्छा किया नाराज सरास, जो तुमने रानी परी का ये राजदंड मेरे हाथों में लाकर दे दिया। बहुत अच्छा किया। बहुत खुश हूं मैं कि मुझे तुम दोनों का ये धोखेबाजी से भरा हुआ चेहरा नजर आया। तुम दोनों ने इतनी गलतियां की, लेकिन उस महान रानी ने तुम्हें कभी कोई कठोर दंड नहीं दिया। क्या बोल रही है बालपरी? सिर्फ तुम्हारी शक्तियां छीनी और तुमने उसी को धोखा दे दिया। उस महान रानी परी ने मुझ जैसी बुराई से भरी हुई परी को सुधरने का एक दूसरा मौका दिया और तुमने उसी का राजदंड चुरा लिया। तुमने ये बहुत दुख हो रहा है मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रानी परी से यहां बदला लेने आई हूं? तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। रानी परी ने जो कुछ भी मेरे लिए किया, उसके बाद तो मैं दिल से उन्हें अपनी रानी मानती हूं, उनकी पूजा करती हूं।
और तुम दोनों मुझे उन्हीं के खिलाफ करना चाहती हो। जी जी, अच्छा हुआ जो ये राजदंड तुमने मेरे हाथ में लाकर दिया। अब मैं इसे रानी परी को देकर तुम दोनों की शिकायत करूंगी। नहीं भयंकर परी, ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए भयंकर परी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ भयंकर परी, हमें सजा मत दिलवाइए। नहीं, तुम दोनों सजा की हकदार हो। लेकिन तुम प्यार और मान सम्मान के हकदार हो भयंकर परी। बालवीर, तुम अच्छा हुआ आप सारी परियां यहां आ गई। बालवीर देखिए, नाराज सराज ने मुझे रानी परी का राजदंड चुरा कर दे दिया। हमें सब पता है भयंकर परी, पर हमने ही नाराज और ताराज परी के साथ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये नकली राजदंड भेजा था। नकली राजदंड, मेरी परीक्षा, ये सब क्या है? सत्य जल की परीक्षा के बाद कुछ परियों को तुम पर संदेह था कि तुम अभी भी रानी परी बनकर परीलोक पर राज करना चाहती हो। बस इसी संदेह को दूर करने के लिए हमने तुम्हारी ये परीक्षा ली। और आपने राजदंड लेने से मना करके ये साबित कर दिया कि अब आप भयंकर परी नहीं बल्कि हमारी पुरानी भली परी बन गई हो। हाँ, और अब तुम्हारे दिल में कोई मैल नहीं, कोई बुराई नहीं, और अब तुम्हें और परीक्षा की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं बालवीर, अगर किसी भी परी को मेरे अच्छे होने पर या फिर मेरे अच्छाई के रास्ते को चुनने पर कोई भी संदेह है तो वो मेरी कोई भी परीक्षा ले सकती है। मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ बालवीर। इस परीक्षा के पार होने के बाद किसी भी परी को तुम पर संदेह नहीं है, ना ही होना चाहिए। अब हम चलते हैं। खुश रहो भली परी, खुश रहो। खुश रहो सभी परियों, खुश रहो बाली। खुश रहो, मैं तुम्हें खुश रहने दूंगी तब ना तुम्हारी सारी खुशियां और तुम्हारा ये परीलोक बहुत ही जल्द छीन लूंगी मैं तुमसे। तुम बेवकूफ, भोली और मासूम परियां लायक ही नहीं हो इस परीलोक के। तुम तो बस इसी लायक हो कि मैं तुम्हारी रानी बनूं और तुम सब मेरे गुलाम।